हे गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मेरी दादी के वहाँ पे। मैं बस वेट कर रही हूँ अरीब का, अरीब वॉशरूम गए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं फिर चलते हैं मेरी दादी के वहाँ पे। तो गाइज मेरे पैर के साथ में कोई एक प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं बहुत लंबी कहानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी दादी के वहाँ जाती हूँ तो तभी आपसे शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं मेरी दादी के वहाँ पे। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपनी दादी के वहाँ और आते साथ ही भाभी ने सरप्राइज दिए है मुझे, ये थैंक यू। और आज एकदम साथ में ट्विनिंग भी कर रहे जबरदस्ती का, हूँ नहीं करना मेरे साथ में। और ये देखो ये भी आई है, और इसको देखो ये भी आ गया है अपनी क्लासेस से, ओ एकदम रैपर। या हाँ मेरा गली में तू भैया बनी है पानीपुरी वाला। तो गाइज अभी पहले मैं कुछ खा लूँ और फिर मैं आपको अपनी पैर की स्टोरी बताऊंगी और ये लोग बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो यस खाते और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज पेट पूजा हो चुकी है, बहुत अच्छी पानीपुरी बनाए थे भाभी ने। तो गाइज अब मैं बताती हूँ कि मेरे पैर के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो गाइज मैं फैशन शो मतलब जो कॉलेज में फैशन शो वैसे होते वैसा मैं करती थी, और हम लोग का ग्रुप था, हम लोग पूरे ग्रुप वाले फैशन शो में थे, कैफी भी थी मेरी बहन भी। तो गाइज उसमें ना एक सेगमेंट था जिसमें मुझे अपने पीठ के बल गिरना था, ठीक है। लेकिन ऐसा हो गया कि लाइट इतनी डिम हो गई वो टाइम पे स्टेज की कि मैं गिरने से पहले ही मेरा पैर, जो मैंने हील्स पहनी थी, इतनी हील थी मेरी, और वो पैर है ना मेरा ऐसा ट्विस्ट हो गया गिरने से पहले ही। और फिर मैं जब गिरी तो मुझे मतलब इतना वो ही नहीं हुआ कि लगा हुआ है मेरे पैर पे, मैं फिर भी मेरा एक और सेगमेंट था जिसमें मुझे वापस से स्टेज पे जाके परफॉर्म करना था, और मैंने वो वापस से की और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी मेरे पैर पे। फिर जब मैं घर पर भी आई तब भी मतलब इतना उसमें नहीं ली। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी, मतलब घर ही घर में थे क्या ही ध्यान देती मैं, इतना कुछ वो था ही नहीं, बस वो है ना सूजन आते गई। तो भाभी ने ही बोले कि भाई तेरे को सूजन आ रही है, क्यों आ रही है? तो मैं बहुत देर तक सोची, फिर कैफी बोली कि अरे तेरा पैर ट्विस्ट हुआ था याद है, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है। फिर पापा ने और फिर मेरे चाचा लोग ने बोले कि भाई ये पहलवान करके एक रहता है कोई, जिसके पास जाते हैं और वो हड्डी बिठाता है। और मैं ऐसी पहले से बहुत बड़ी डरपोक हूँ गाइस, और मुझे ज़बरदस्ती खींच के वहाँ लेके गए। मैं वहाँ ऐसा चिल्लाई हूँ पागल की तरह कि भाई मेरे को नहीं करना है। फिर वहाँ से भी मैं वापस आ गई भाग करके, भाई नहीं करने का मेरे को। फिर मैं कहाँ गई भाभी? चीरा बाज़ार। तो गाइस फिर मैं गई चीरा बाज़ार, और वहाँ पे वो जो है वो भी ऐसी हड्डी बिठाने वाला ही वो था, डॉक्टर नहीं था वो स्पेशली। लेकिन ये देखो ये लोग को भी मेरे साथ बोलने का है गाइस, हमारे लव बर्ड भी ज़्यादातर में बोलेंगे। हाँ तो मैं क्या थी, कहाँ थी? हाँ चीरा बाज़ार। अब वो डॉक्टर नहीं था लेकिन ऐसा बोलते कि वो लोग बिठाते, मतलब वो ऐसा खींचमतानी नहीं करेगा। तो मैं बोली चलो ठीक है इसको दिखा देते। अब मैं वहाँ गई, अब एक एक जो पेशेंट आगे बढ़ते जा रहे, मेरे को एकदम अंदर से ऐसा दिल में हो रहा है कि बाप रे, और कितनों की तो आवाज़ आ रही है अंदर से, मतलब वो कुछ कर रहा होगा, हड्डी वड्डी बिठा रहा होगा जिससे आवाज़ आ रही हो, बाप रे। मैं और मेरा भाई गए थे, अरे बाप रे। जैसे ही मेरा नंबर आया उसने मेरे को बोला कि भाई तुमको प्लास्टर लगाना पड़ेगा एक महीने का, और फिर वो सही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पैर में। मैं बोली चलो ठीक है, नहीं है ज़्यादा मार ना कुछ लगा नहीं है, खाली प्लास्टर है। तो प्लास्टर लगवा ली मैंने एक महीने का। अब गाइस वो एक महीने के अंदर मतलब आ गई बकराईद। अब मेरे को था कि भाई बकराईद आ गई, मैं पैर ऐसा लेके नहीं बैठूंगी, मेरे को ये पैर का खोलने का है। और मैंने ज़िद करी, इतना रोई धोई, तो पापा ने फिर बैठ के वो प्लास्टर पूरा कट करके पूरा खोल दिए। तुम लोग यकीन नहीं करेंगे मेरा पैर भाभी जो सूजा हुआ था ना वो एकदम ऐसा हो गया था, ऐसे सुकड़ गया था, क्योंकि वो एक महीने के अंदर, हाँ वो एक महीने के अंदर पूरा ऐसा बंदा हुआ था। आ जाओ तुम भी आ जाओ, ये भी थे साथी दर वो जगह पे मेरे को भेजने वाले। तो फिर अब ये बात भी कि भाई वो प्लास्टर खुल गया, नॉर्मल हो गया पैर, और एक दो दिन के बाद में वहाँ जाने का था। फिर मैं वापस वहाँ गई, तब फिर उसने अपना जलवा दिखाया है वो डॉक्टर ने, डॉक्टर तो नहीं बोलूँगी, वो हजाम था एक तरीके से, उसने जो मेरा पैर टक टूक करा है, अरे बाप रे। मैंने
मेरे भाई का हाथ पूरा नोच दी थी उसने जो वो हरकत किया। और आसिफ भाई क्या किया मानो मेरे को वहाँ गाइज उन्होंने छोड़ के चले गए, मेरा हाथ ऐसे छुड़ा के, बोले मैं नहीं देख पाऊंगा, वो छोड़ के ऐसे चले गए अकेले रहो अंदर। और अकेले उसने धान धून मेरा पैर ऐसा उंगलियाँ खींच खींच के खाच खच के कर दिया मेरा काम। अब थोड़े दिन के बाद में वो फिर से सूजन आने लगी और ऐसी आते गई फिर मेरे कज़न ने बोले कि भाई उसको कोई अच्छे सर्जन को दिखाओ, जो स्पेशलिस्ट पैर और हड्डी के लिए जो स्पेशलिस्ट है उसको दिखाओ। तो फिर मैं एक है डोंगरी पे, वहाँ पे मैं गई सर्जन के पास में और उनको दिखाई, तो उन्होंने एक्सरे निकलवाए सब करवाए, तब उन्होंने देखे कि तुमको ब्लड क्लॉट हुआ है, मतलब बहुत छोटा सा ब्लड क्लॉट है। तो अब उसके लिए फिर उन्होंने मेरे को मेडिसिन दिए और उसके साथ में मुझे एक पट्टे का रिकमेंड किए जो मैं अभी पहनी हुई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये है वो पट्टा गाइस जो मैं पहनती हूँ, और जो मुझे सूजन है वो ये साइड में है इधर। गाइस थोड़ा पट्टा गंदा हो गया क्योंकि ढाई साल पुराना। हाँ पट्टा 2.5 साल पुराना है, लेकिन मुझे जो चोट लगी है वो कम से कम साढ़े तीन साल हो गया है मेरे को वो लग के। और गाइस ये पट्टा मैंने पहनी एक साल है ना, हाँ 1 साल पकड़ लो, वो पट्टा मैंने पहनी और माशाल्लाह मेरा पैर बहुत सही हो गया, कुछ तकलीफ़ नहीं हुई कुछ नहीं। अब ये फिर से मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि बीच बीच में जब तक मतलब ऐसे ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ या हाँ हो जाता है वो पैर वापस से सूजता है और पेन वापस से आता है मेरे को, तो अभी वापस से आया है बहुत टाइम के बाद। और अब तो है ना गाइज अलग सा पेन आया है, अब वो जो क्या फ्लक्चुएट हो रही है मेरी खुद की जो फिंगर है वो अपना वैसे ऐसे 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 होती, तो मुझे ऐसा अजीब लगा कि अचानक क्यों हो रहा है। तो भाभी को ही मैं बोली कि भाभी ऐसा मेरे पैर में ऐसा हो रहा है, मेरी उंगली अपना वैसे ऐसे ऐसे हो रही है। तो भाभी बोले भाई कमज़ोरी की वजह से। तो फिर मैंने सोची कि नहीं इसको लाइटली नहीं लेते, क्योंकि जहाँ पर लगा है वही वाला पैर हो रहा है, तो फिर दिखाना ज़रूरी है डॉक्टर को। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास में और वो डॉक्टर भी मुझे बोले कि भाई दवा दूंगा लेकिन उससे क्या होएगा, नींद नहीं बहुत ज़्यादा। और गाइस मैं जब वो दवा खाती हूँ मैं एकदम नशे में रहती हूँ, कोई क्या भी करे हाँ, कुछ भी करे हमको कुछ हाँ नहीं कुछ होश नहीं, मतलब वो रात की दवा है और मैं रात में खाती हूँ, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे मैं उठने का करती हूँ मैं नहीं उठ पाती, और जब मैं उठ जाती हूँ तो तब भी मैं झूमते रहती हूँ। यस मैं ऐसे यूं होते रहती हूँ। तो आज वापस से जाना है डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोल कौन है बिल्ली है ये डेंजर आवाज। तो गाइस हम लोग क्या पूरा रानी भाग है पीछे से आवाज़ आते रहेगी। यस तो अभी ये स्टोरी आप लोगों को पता चल गई है मेरे पैर के बारे में, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ये कब जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी भी देखना वो एक्सरे ही बोलेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना क्यों ऐसे बार बार हो रहा है। ये तो है, तभी देखेंगे। अभी हम लोग निकलेंगे डॉक्टर के पास, निकलेंगे बोल रही हूँ, अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास में। पैर में लगाए ना गाइस, यहाँ आ गया पैर में आ गया लगता मेरा दिमाग जब भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास में, और मेरे साथ में चलेंगे मेरे चाचा भी, क्योंकि उनको भी कल से बहुत फीवर आया हुआ है। तो हम लोग सब जाने वाले, पूरा घर लेके जा रही हूँ मैं मेरे साथ। तो अभी देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर उनको भी और मुझे भी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है क्या बोला डॉक्टर ने। गाइस हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास से, और हुआ ये है कि मुझे बोले है दूसरा पट्टा पहनने के लिए, और उन्होंने दे भी दिए दूसरा पट्टा। बताओ ये है दूसरा पट्टा, वो बोले कि वो थोड़ा लूज़ है शायद उस वजह से हो रहा होगा, तो अभी ये वाला पट्टा दिए है, ये बोले है पहन के रखो और देखते हैं। 2 दिन का बोले है टाइम दिए, 2 दिन का दवाई भी दिए अलग से पेन किलर, लेकिन उन्होंने बोला कि बस जब दर्द ज़्यादा होगा तब खाना है। देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा पैर, ऐसा तो बोले। और अनीशा चाचा की भी दवाई ले ली है, उनको इंजेक्शन पड़ा है अच्छा वाला है ना। अनीश चाचा इधर देखो, इधर 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 से देखेंगे। हाँ इंजेक्शन पड़ा, आपको कैसा लगा?
मुझको लगती है उसको मालूम नहीं मेरे को तो मालूम था चाचा तुमको पढ़ने वाली है मालूम। हाँ हाँ, मेरे को लगा ही था कि जो हिसाब से मैं तुमको बताई कि भाई इनको ठंडी बुखार आई है, वो डॉक्टर ने वो बोले ना कि भाई हाँ ठीक है अब भी सही हो जाएंगे, तो मतलब इंजेक्शन है। हाँ तभी जा रहे हम लोग घर और देखते वहाँ जैद क्या कारनामे करता है, क्योंकि जैद दाल बना रहा है। हाँ जैद दाल बना रहा है, मतलब हम लोग को यकीन ही नहीं आ रहा है। हम लोग बोले लेट हो रहा है तो अभी आया, तो बोलता है ठीक है तुम्हारे आने तक तक मैं दाल बना देता हूँ। कुछ नहीं, वो बनाता है अपने घर। क्या बनाता है? हाँ सच्ची बनाता है वो। हाँ तो उसकी अम्मी नहीं थे तो खाना बना देता। तो गाइस देखते क्या कर रहा है वो घर जाके और फिर तभी बात करते। तो गाइस देखो इसने किचन का हाल क्या करके गया है, एक दाल बनाने के चक्कर में, और ये देखो दाल डाला सब कुछ बराबर। हाँ लेकिन ढक्कन कुकर में छोटा ढक्कन लगा, मतलब हद ही पार कर दिया भाभी इसने तो। अच्छा हुआ नहीं बोले उसको लगाने, वरना तो रस्ते लगते थे पूरे घर के, एक बार कुकर फट जाता। तो गाइस पट्टा मैं आपको बताती हूँ इतना टाइट है कि अब मेरी उंगलियां पूरी यूं हो गई है, और मेरे को समझ के भार हो रहा है कि ये सही है कि नहीं है पट्टा। भाभी यहाँ पे ना ये जो ये दिख रहा है ये मेरे को बहुत दुख रही है, ये सब टाइट हो गया ना। ये देखो कितना टाइट है, अरे बाप रे, इसको सही करो ना यहाँ से भाभी। टाइट है, उसको टाइम लगेगा नीचे से। फूफ, मेरे को तो डर था कि शायद एक्सरे करने बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले उन्होंने, बोले 2 दिन का टाइम है, 2 दिन देखेंगे, दवा भी दिए है पट्टा भी है, बोले 2 दिन देखो सूजन आती है नहीं आती है और फिर इसका डिसीजन लेंगे कि क्या होता है। लेकिन गाइस सच्ची बोल रही हूँ, मेरे को और भाभी को इतनी प्यास लग रही थी पूरे रास्ते में कि पूछो मत। हाँ भाभी लग रही थी, पता है क्यों? अपन पानी से भी खा के पानी नहीं पिए थे। हाँ ये बात है, लेकिन सच्ची में अभी भी ऐसा लग रहा है। अभी हम लोग ने फहद को भेजा कि भाई ठंडा पानी ला, क्योंकि घर में ठंडा हम लोग नहीं रखते ज़्यादा, पानी बाहर से ही मंगाए हैं। और अभी देखो ये कब तक लाता है ये नमूना। हाँ। ये भी जल्दी लाता नहीं है कोई भी चीज़। हाँ। प्याज बढ़ के ख़त्म हो गई। हाँ सही में ख़त्म हो जाएंगी प्याज जब लेकर आएगा ये। ये आया क्या? देखो भाभी गाइस बाजू में दुकान है, बाजू में। क्यों नहीं गए हम लोग? क्योंकि मेरे पैर में बहुत दुख रहा है इसीलिए नहीं गए, वरना हम लोग ही जाके लेकर आते। लेकिन नहीं, इसको भेजे ताकि जल्दी लाएगा, तो 10 घंटे बाद लाता है ये हमेशा। कोई भी चीज़ हम लोग देते हैं ना, वो 10 घंटे बाद लेकर आएगा, या फिर दूसरे दिन आएगा कि अरे भाभी तुमने ये मंगाए थे कर मेरे से, मतलब अलग ही नमूना है। मैं तो भूल गया था। हाँ ऐसी बातें करता है ये, देखो अब कब तक आता है। इतना सो सो कर लेकर आ रहा है। हाँ अक्कल है कि नहीं है तेरे को? इंसान प्यास से मर जाएगा तब आएगा तू। क्या क्या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया तेरे अंदर? हाँ ये टूटी हुई टांग से तेको मारूंगी। टूटी हुई टांग ता टाइट बांध दिया बाप रे, देखो तो। देख ना अब मेरे को उलझन हो रही है वो टाइट से। कब खोलने बोला? वो बोला जब तुम आराम करोगे ना तब खोल दो। तो कब आराम करो? और मतलब जैसा, और बोले कि रात में सोने के टाइम पे बांध के नहीं सोना, सो जा सो जा। भाई से पूरा टाइम बस सोने का ही चाहिए इसको, सब सो, हा करते रहेगा। सो मुझे भी पानी दो। नहीं इसको मत दो, तू इतनी लेट लाया ना, तो कितना देंगे भी तो सादा पानी, नहीं पिला रहे बाप, सादा पानी देंगे, ठंडा पानी सादा पानी नहीं देंगे। दो बाप दे दो, ठंडा पानी नहीं दूंगी सादा पानी। गर्म के टाइम पे पानी नहीं देख सकते हो भाई, ऐसे लोगे सच बात है। पानी का काम पानी ही करता है भाभी, दूसरी और कोई चीज पानी की जगह नहीं। तुम पैदल आए? हाँ तभी तो हो गए। सही में पैदल है तो इतना दूर से पैदल आएंगे इधर गए? और ये टूटी हुई टांग लेके मैं पैदल आऊँ? दो क्या गाइस, अभी पानी पी के बहुत अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू फहद ब्रो पानी लाने के लिए। किधर है वो जैद? जैद तो फोन नहीं उठा रहा है, लगाओ फोन बेचारे को, दाल का वो काम करके गया। हाँ। आधा बहुत अच्छा काम करके गया, इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन भाभी सच्ची बोले इसको वो सब काम नहीं आते। तो ये अम्मी के लाड़का है ना, अम्मी अभी तक हाथ से खिलाते हैं ना इसको। हाँ इस
तो सही में खिलाते हैं। मेरा हाथ वो बेचारा, उसकी अम्मी नहीं रहती तो खुद पका के खाता है ना। कितना अच्छा बच्चा है रे वो। हाँ बराबर अपना काम करता है खुद का, और इसको नहीं करता हूँ ना मैं भी अपना काम। क्या सोता हूँ एक झापड़ ऐसा दे इसको। देखो अभी क्या खा रहा है, देखो अभी क्या खा रहा है। कवर का जो है ना मुंडे का कान इसने खाया है, अब बोलता है इसके कान मेरे को चाहिए। टाइम उसका तो मतलब खा जाने का, खाना नहीं मिलता है। वो गोभी में कीड़े रहते हैं तो बिना साफ किए खा रहा है। जानवर से वो है, पत्थर है, मिट्टी से कीड़े भी आए तो खा लेंगे कीड़े भी। देश की मिट्टी से बने तो देश में आता है से। तो क्या मतलब तू ये AK-47 बना रहा है? ऐसा मुंह बना रहे जैसे असली की गन ये लोड कर रहा है। तो गाइस इसको लिरिक्स कोई गाने की आती है नहीं सही से, मगर गाता हाँ, सब गाएगा। हाँ सब गाएगा ये, बाथरूम सिंगर है ना ये, इसीलिए। लो नाबला बोलना वापस, लोगों को सुनने है, बोलना। हाँ लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ बोल, हम नहीं बोलेंगे लो नाबला। बोल रहे नाबला। हाँ लो नाबला, जोर से बोल लो नावला। सही बोलो तो जोर से बोलो। लो नावला, लो नावला, नो लावला। बुला गया हो गया डब्बा गुल, डब्बा गुल ही है ये। ने पूरे घर को उथल पुथल करके दाल बनाया है। नहीं भाई अच्छा बनाया, वेरी गुड। दाल आई एम प्राउड ऑफ यू रेड। हां ये क्या है भाई, ये अनीशा की दवा दी है क्या? नहीं ये तो उनकी नॉर्मल रूटीन वाली दवा है ना। क्या खा के आया है? बोला खा के आया कुछ तो, ऑरेंज स्किन पी के आया है। बोला खाया है। तो गाइस यहाँ पे कैफी भी आ गई है। हाय कैफू, वो स्टेप कर ना जरा जैद के साथ जो अभी कर रही थी। नहीं कर पाएगा वो, कर लेगा। करेगा ना तू? गाइस अभी सीटी बजेंगी बहुत जोरदार। देख फहाद करके बताएगा अभी। दोनों टांगे एक साथ बंद करके, मेरी दोनों टांग नहीं बंद होती भाई, मेरी टांग ऐसी हो जाती है पूरी हो जाती है। पबजी का दिमाग है ना ज्यादा प्रेशर। अरे इनका उठने में आजकल सुने की नहीं, तलवे में आगे लड़की लगा दूंगा। आजकल सुने देख सकते हैं फोन है अभी देख सकते हैं देख सकते हैं जैद है, इसको भी कुकर की जगह इसको रखना है। इसका नाम ये किसका है? नया पर्स मेरा है। बर्बरी? यस लंदन इंग्लैंड। ए ले बड़बड़े के हाथ में बड़बड़ी। नाइस वन, नाइस वन जैद। लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई आज तूने दाल बनाया, इससे तो उम्मीद नहीं थी मेरे को। इतने कैसा मुंह बना रहा है ये भाभी आजकल, बहुत ज्यादा मुंह नहीं बनाने लगा है जैद? ये दाल नहीं मुंह बनाता, दाल नहीं बनाता। उस दिन ही बोल रहा था ना गरम पानी का घाघरा का, घाघरा का चोली क्या करने का है? गगारा, गगारा ए कैफी गगारा बोल रहे। जैद तू मेरे कोई हीरो में मिल रहा है? नहीं मतलब अपने आपको देख ना पूरा। नहीं नहीं तो मैं बताऊं, कौन क्या है मैं बताऊं? कौन अय्यर? हां वही अय्यर। अरे तेरे को पता नहीं? नहीं तो तू मेरे को उसकी तरह लग रहा है। कैसा हूं मैं बताऊं? कैफी लेकिन हंस देगी मैं बोलूंगी तो। क्या? लेकिन मेरे को तू ऐसा मिल रहा है। चारू पान नहीं उल्टी कर देगी कैफी इस पे। मैं तुम्हारे पे कर दूंगा। तू भी कर, सही बात है, ये बात सुन के सब उल्टी। मैं बोल रहा अभी सुनेंगे। वो जो डार्लिंग मूवी में था ना, क्या अरे आलिया भट्ट के साथ में, कौन वो घुंगरू वाला ला? अब वो मेरे को उसका नाम नहीं मालूम यार, दिखा दो फोटो। हाँ सर्च करना मेरे को, तू वैसे ही दिख रहा है। डार्लिंग आंखों से, अरे वो पिक्चर अलग है जैद, और वो गाना अलग है। तो कौन सी? अरे आलिया भट्ट की डार्लिंग मूवी नहीं मालूम?
अरे वो चाचा को बोल के बोल कट कट हाँ। अरे वो किसने किसने मिला रहे में ऐसा है ही नहीं दिल का। नहीं लेकिन तू वैसा दिखता है मेरे को वैसा दिखता है तो वो क्या स्मार्ट दिखता है लेकिन रियल लाइफ में चल में रोल मिलेगा दिखा क्या मेरे को कहाँ कहाँ बना रहे तुमको। नहीं तू ऐसे ही लगता है मेरे को लगा मेरे को शाहरुख तू सब छोड़ तू ये देखा क्या मेरा पैर देखा ना क्या कर दिया अभी नया पट्टा हाँ ये अच्छा दिया उसने हाँ उसने बोला कि ये टाइट रहेगा तो अच्छा मेरे को क्या करूँ अल्लाह करे मैं कभी ऐसे ही नौबत आई नहीं ये देखिए ये भाभी देखो इसकी तरह ही लग रहा है ना जैद है ना अल्लाह रेसिस देख देख ये काला तू गोरा है अल्लाह इसकी शक्ल बता रही झूठ बोल रही है अगर मैं सरकार रहता ना इनको पहले फांसी पे चढ़ाता ये पहली औरत है फांसी पे मैं चढ़ाता ना साइन करते तो ना तुम चढ़ जाते साइन नहीं करते दादर करते दादर करते दादर में आके साइन करते बहुत ही लेम जोक था कैफी बहुत लेम बहुत हो रही आवाज रुक गई है देखो उनकी मिर्ची निकालो पहले बंद कर दू तो गाइज यहाँ पे भाभी ने नजर उतारे थे कैफी की और फिर धसका लगने लग गया तो ये फात क्या आंग में आ गया मिर्ची ने पास दी बाप रे नजर दिखी क्या थी नजर नहीं थी जब ही धसका लगा अबे नजर नहीं थी तो धसका बोलते हैं तुम गाइज आपको कमेंट करके बता दिया आप लोग कमेंट करके बताइए छी उल्टी कर रहे हैं मैं आज मैं यहीं पे खाना खा रही हूँ मेरी दादी के वहीं पे और अभी को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो मैंने मेरे खाना यहीं खा लेगा तो अभी भाभी ने मुझे काम दिए हैं रोटी बेलने का जो मेरा फेवरेट काम है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे इतना बड़ी इतनी बड़ी रोटी बना रहे हो एकदम मस्त बेलूंगी तो भाभी का भी चिकन तल के हो गया है मेरी मनपसंद मिर्ची डाल रहे खुल भी गया देखो अपने हाथ से खुल गई तो कायना दीदी रोटी बेल कर ले बेल रहे हैं बेल रहे हैं बन गई मेरी रोटी गाइस कितनी अच्छी रोटी बनाई इतनी बड़ी रोटी गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि मेरे पैर में अचानक से मतलब वो जो टाइट इतना था पट्टा तो उसकी वजह से मेरे जो उंगलियां है पैर की वो सब सूजने लगी थी और जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी अभी थोड़ा बेटर है वो अचानक से याद आया कि भाई मैंने व्लॉग ही नहीं एंड करी तो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।